इस वीडियो में हम शॉर्ट की कमांड को सीखेंगे, ठीक है, जो हमारे पास होम के अंदर यहाँ पर मौजूद होती है एडिटिंग के अंदर। शॉर्ट शॉर्ट हमारे पास दो किस्म का होता है, एक होता है असेंडिंग, उसका मतलब होता है ए टू जेड, और एक होता है डिसेंडिंग, जिसका मतलब होता है जेड टू ए। ठीक है, बेसिकली शॉर्ट हम करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चीज़ों को पुट करने के लिए। जैसे यहाँ पर कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अहमद, अयान, फिर एस आ गया, शावेस, फिर वलीद। हम चाह रहे हैं सारे ए वाले आ जाएं, फिर बी वाले आ जाएं, फिर सी वाले आ जाएं, इस तरह हो जाए। ठीक है, तो हम इनको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद होम के अंदर यहाँ सॉर्ट है, हम ए टू जेड कर देंगे। आप देखो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आया है, वो पूछ रहा है सिलेक्शन को बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, या तो कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, ये जो करंट सिलेक्शन है इसके साथ जाना है। हमने कहा कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, सॉर्ट करते हैं। आप देखो सॉर्ट हो गया। ठीक है, आप देखो ए वाले अलग निकल गए, फिर ये ए की सीरीज़ ख़त्म हुई है तो बी की स्टार्ट हो गई, सी था नहीं तो फिर डी आ गया, ई नहीं था एफ आ गया, तो ये सॉर्ट हो गया। जब हम रेंज बना के सॉर्ट करते हैं तो डाटा सॉर्ट नहीं होता, ये जो डाटा है ना ये सॉर्ट नहीं हुआ। ठीक है, बैक करता हूँ मैं। हमें क्या करना होता है, सिर्फ कॉलम के एक सेल को सिलेक्ट करना होता है बस इसको। उसके बाद अब मैं सॉर्ट करूँगा ना, तो अहमद का वन कुरंगी, अयान जो है नंबर टू है, लांडी, ये यही रहेगा, अयान का आप याद रखो नंबर टू है। अब मैं सॉर्ट करता हूँ, आप देखो अयान का नंबर टू ही है, वो नीचे आ गया, तो डाटा को भी सॉर्ट कराना पड़ता है। तो इस तरीके से हम अपने रिकॉर्ड जो है आराम से कॉल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है फ़िल्टर, ठीक है, फ़िल्टर माने छानना होता है, और अगर आप इसके आइकन पर गौर करो तो यहाँ पर फ़नल बना हुआ है। ठीक है, तो ये फ़नल बना हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट का बना हुआ है और ये फ़िल्टर का बना हुआ है। इसकी शॉर्टकट है, पहले आप ये सिलेक्ट करो हेडिंग्स, कंट्रोल शिफ्ट एल आप दबाओगे, आपके पास ये ड्रॉप डाउन एरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने शॉर्टकट से नहीं करना तो आप यहाँ जाओ, फ़िल्टर पे क्लिक करो। फ़िल्टर माने छानना, आपको अपने रिकॉर्ड छानने हैं। जैसे आपने कहना है कि किसी ने आपको बोला कि वलीद क्या जो है रिकॉर्ड निकालो, पहले आप इस एरो पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट ऑल हटाओगे। ठीक है, तो वलीद ढूंढोगे आप यहाँ से, वलीद पे आपने चेक किया, ओके किया, आप देखो सिर्फ वलीद का रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, फिर आप इधर जाओगे, सिलेक्ट ऑल करोगे, ओके करोगे, सबका रिकॉर्ड आ गया। अब आपको ग्रेड वाइज निकालना है किस किस का ये ग्रेड आया है, तो आप इस पे आओगे, पहले सिलेक्ट ऑल से हटाओगे आप, फिर उसके बाद आपने देखना है कि ए ग्रेड किन किन का आया। भाई इन इनका ए ग्रेड आया है, ये जो ये बंदे हैं इनका ए ग्रेड आया है। अब यही बात आप जो है वो एड्रेस पे भी कर सकते हो। आपको कहा गया है कि कुरंगी वालों का एड्रेस निकालो, कुरंगी में कौन कौन रहता है, तो भाई कुरंगी में यही ये बंदे रहते हैं। तो हम रिकॉर्ड्स को इस तरीके से फ़िल्टर करा सकते हैं। आप अगर अभी इसको प्रिंट करोगे तो सिर्फ इतना ही एरिया प्रिंट होगा, और ज़्यादा एरिया प्रिंट नहीं होगा पेज के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये फ़िल्टर हुआ हुआ है। फिर आप सिलेक्ट ऑल करके ओके करते हो तो फिर ये नॉर्मल हो जाएगा।